हाँ दिल्ली के लड़के जवान होते हैं तो डेट बचाते हैं और यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख बचाते हैं। आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तो उसमें लिखा है महाकाल, तो तुम्हारी स्टेटस चौधरी की है अपने इलाके में। लोहा फेंको, AK-47 बाहर निकले। इसलिए ब्राह्मणों ने इस देश में आज तक रिजर्वेशन का विरोध नहीं किया। मैं किसी की 1 इंच जमीन लेकर देखिए और यूपी की जमीन, गंगा दुआब की, पूर्वांचल, इतनी फर्टाइल जमीन, इतनी, लोहा फेंको, AK-47 बाहर निकले। आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तुम, उस पे लिखा है महाकाल, तो तुम्हारी स्टेटस चौधरी की है अपने इलाके में। और हिंदुस्तान, खासकर उत्तर भारत के आदमी को 2 चीजों से बहुत लगाव है, बहुत प्यार, एक तो अपनी जमीन से और दूसरा अपनी ससुराल से। तो शिखर धवन खेल रहा था ना ऑस्ट्रेलिया में, मारा जा रहा था उठा उठा के मेलबोर्न में, ऑस्ट्रेलिया से लगा कि क्या हो गया यार, उसकी ससुराल है मेलबोर्न में, उसकी वाइफ आई हुई थी और वाइफ के साथ उसकी दोस्तें आई हुई थी, सालियां आई हुई थी, और वो चिल्ला रहे लगी स्टेडियम में, जीजू ये मार लो उठा उठा के, की ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा भाई साहब हमें खेलना ही नहीं है। 2 चीज से बहुत लगाव है, जमीन और ससुराल। जमीन नहीं दे सकते, इसलिए बहुत सारे लोग जो गांव में, शहरों में सेटल हो गए, दिल्ली में, मुंबई में, कह भैया हम गांव की जमीन बेच दी, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। गांव का सोशल स्ट्रक्चर और शहर का सोशल स्ट्रक्चर बहुत अलग है। शहर में लोगों के एक बच्चा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, मैरीलैंड स्कूल, वही मैगी वैगी खा के बड़ा हो रहा, और गांव में एक एक घर में 7-7, 8-8 लड़के हैं, 8 लड़के, 6 बंबई में कमा रहे हैं, 1 जेल में है, दूसरा कचहरी में खड़ा रहता है। नहीं, तुम जब भी कचहरी जाओ एक आदमी तुम्हें वहां मिलेगा, वही मैगी वैगी खा के बड़ा हो रहा, और गांव में एक एक घर में 7-7, 8-8 लड़के हैं, 8 लड़के, 6 बंबई में कमा रहे हैं, 1 जेल में है, दूसरा कचहरी में खड़ा रहता है। नहीं, तुम जब भी कचहरी जाओ एक आदमी तुम्हें वहां मिलेगा, जब भी जाओगे तुम्हें मिलेगा। एकाध तिवारी, अरे वो देवरिया वाले केस में पेशी लगी। कुमार विश्वास से किसी ने पूछा कि दिल्ली के लड़के और यूपी के लड़कों में क्या फर्क है, बड़ा अच्छा आंसर दिया उसने, कहा दिल्ली के लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं और यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। कुमार विश्वास ने बताया था कि दिल्ली में जो लड़के जवान होते हैं डेट पे जाते हैं और यूपी में लड़के जवान होते तारीख पे, क्यों, देवरिया वाला जो कांड हुआ था, सर काट लाए, हाँ सर काट लाए। वैसे अब गांव में रहना आसान नहीं है, बहुत डेंजरस है, कौन कहां आग लगा रहा है किसी को नहीं पता। हम अभी आए 2 दिन पहले, गांव में ही थे, हम सब डिस्टेंस बना के रखा, हमको जानते हैं सज्जन आदमी है। हम तो गांधी के रास्ते चलते हैं, हमारे भतीजे, उनसे थोड़ा बहुत विवाद हो गया था, मैंने कहा भैया कहो तो गांव छोड़ दे चले आए, जैसा कहो। अवध केसरी सेना के सदस्य हूँ, लोकल आर्मी है वहां, 150-200 मरे हुए लड़के हैं, उसके मेंबर है, वो मेंबर जी चले हैं, लेकिन जमीन नहीं छोड़ सकते, गांव से चले आएंगे ना, इसलिए हिंदुस्तान में वो तबका हमेशा शक्तिशाली रहा जिसका जमीन पर कब्जा रहा। इसलिए ब्राह्मणों ने इस देश में आज तक रिजर्वेशन का विरोध ही नहीं किया, क्योंकि जमीनें आज भी उनके पास है।
उनको नौकरी चाहिए ही नहीं। रिजर्वेशन देके उन्होंने भारत में क्रांति को टाल दिया। माओवाद दे दे रिजर्वेशन, ले आओ नौकरी करो। तो घर में और नौकरी में क्या है? एजुकेशन, एजुकेशन में क्या है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तुम्हारा कॉलेज स्कूल का टीचर कैसे तुम्हें धमकी देता है कि लिख देंगे?